हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 वेज डिनर सूप रेसिपीज फॉर वेट लॉस। दे आर वेरी इजी टू मेक, एक्सट्रीमली सिंपल येट वेरी डिलिशियस, न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड होलसम। स्पिनच लेंटिल यानी पालक और दाल का सूप बहुत ही आसान है, एक अच्छी डिनर रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमने लिए है 100 ग्राम स्पिनच यानी पालक, 4 टेबलस्पून सोक्ड मूंग की दाल और 1 टमाटर जिसे हम लंबाई में 4 हिस्सों में काट लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर सोक्ड मूंग दाल डालेंगे, उसमें आधा कप पानी और उसे एक बार थोड़ा बॉईल आने के बाद धीमी आंच पर पकाएंगे। जब ये लगभग आधी पक जाए तो हम इसमें अपनी पालक ऐड कर देंगे। पालक जो होती है, इट इज हाई इन आयरन, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो बहुत न्यूट्रिशियस होती है। हमने टमाटर भी डाल दिए हैं। जब ये दोनों चीजें पक जाएं तो हमें गैस बंद कर देनी है और अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये ऑलमोस्ट ठंडे हो गए हैं। अब हम टमाटर के छिलकों को अलग करके इस पूरे मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे। तो ये रेसिपी प्रोटीन में हाई है क्योंकि इसके अंदर मूंग दाल है। अच्छा पेस्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि टेक्सचर स्मूथ आए और पीसने में भी आसानी हो। अब कुछ फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स हमने ली हैं, कॉर्न, पीज, कैरेट, कैप्सिकम एंड ब्रोकली। जो भी आपके सीजन में हो, आपके रीजन में हो, वो सब्जियां लीजिए। अब उसी पैन में हमने 2 टेबलस्पून पानी लेकर अपनी सब्जियां ऐड कर दी हैं। ये बॉइल्ड पीज हैं। हम इन वेजिटेबल्स को हल्का सा स्टीम करेंगे, हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। हमने सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है इस रेसिपी में। शुरू में हमने ऐड नहीं किया था और यहाँ पर मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया है। कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपको पतला चाहिए सूप तो पतला रख सकते हैं, अगर आपको थिक चाहिए तो कम पानी ऐड कीजिए। ये ऑलमोस्ट रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने थोड़ा गार्निश करने के लिए इस पे पनीर ग्रेट कर दिया है, अगेन वो भी प्रोटीन में हाई होता है। तो एक अच्छी हाई इन प्रोटीन वेजिटेरियन रेसिपी है, वेट लॉस के लिए परफेक्ट, वेट मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट, लाइट है लेकिन क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है वेजिटेबल्स की वजह से, तो ये आपको काफी देर तक फुल रखेगी। फ्लेवरिंग के लिए मैंने ड्राई मिंट ऐड कर दिया है, आप ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। इसे वार्म सर्व कीजिए। अगर आप इसे रात में लेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि मैग्नीशियम आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसकी टेक्स्ट रेसिपी आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। बीटरूट का हेल्दी सूप, इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में लिए हैं 2 टेबलस्पून वाटर। इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 कटी हुई गाजर, 1 कटा हुआ बीटरूट और साथ ही 1 कटा हुआ टमाटर। इसे हम ढक कर धीमी आंच पर पकाएंगे। ये पूरी तरह पक चुके हैं, अब हम इसे ठंडा करेंगे। बीटरूट जो होते हैं काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। साथ ही कैरेट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। जितना भी ये रेड कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, सबसे जो हाई होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में वो होती हैं ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स, लेकिन जितनी भी रेड कलर की वेजिटेबल्स होती हैं दे आर आल्सो वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा विटामिन ए आपको इससे मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ब्लड को बनाने के लिए बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हमने एक पैन में फिर से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, आधा कप कॉर्न और आधा कप हमने बॉइल्ड पीस और मशरूम ऐड कर दिए हैं। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो हमने इसमें अपने बीटरूट का ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर और थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। साथ ही सॉल्ट टू टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर और मिक्स्ड हर्ब्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर के कुछ स्लाइसेस, लगभग 200 ग्राम ये पनीर है। आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये 2 लोगों की सर्विंग है। पनीर जो है इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाएगा। अगर आप इस सूप को एज अ मील ले रहे हैं, यानी आप इस सूप के अलावा और कुछ भी नहीं ले रहे, तो ये पनीर प्रोटीन कॉन्टेंट के साथ हल्का सा फैट भी इसमें ऐड करेगा जो आपके लिए अच्छा है। आप चाहे तो डेयरी पनीर के बदले सोया पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वीगन हैं।
So I hope you like this recipe. इस recipe का text form आपको मेरी website पर मिल जाएगा. That is www.foodfitnessandfun.com. आज हम बनाएंगे एक शकरकंदी और वेजीज का हेल्दी न्यूट्रिशियस सूप, जिसे आप एज अ लंच या डिनर कंज्यूम कर सकते हैं. तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 चम्मच पीनट बटर, जो प्योर होना चाहिए, जिसमें सिर्फ पीनट्स होनी चाहिए 100%, कोई भी एक्स्ट्रा स्वीटनर या इंग्रेडिएंट नहीं. और लिया है 1 स्वीट पोटैटो, जिसे हमने कट कर लिया है और अब हम इसे कुक करेंगे. इसे कुक करने के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा पानी ऐड किया है और एक बॉईल आने के बाद हम आंच को कम करके इसे कवर करके पकाएंगे. आप इसे चेक कर सकते हैं बीच में, ये देखिए पूरी तरह पक गया है. अब हम इसे पूरी तरह ठंडा करेंगे. कुक्ड स्वीट पोटैटोज जब ठंडे हो जाएं तब हम इन्हें ब्लेंड करेंगे. एक ब्लेंडर में स्वीट पोटैटोज के साथ हमने पीनट बटर ऐड कर दिया है और इसमें आधा कप के आसपास हमने ऐड किया है पानी. अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे. एक पैन में हमने डाले हैं 2 टेबलस्पून पानी, प्लेन वाटर, आधा कप कॉर्न, आधा कप बीन्स, आधा कप कैरेट्स और 1 कप मशरूम, जो प्रोटीन में हाई होते हैं. साथ ही थोड़ा सा आंवला हमने डाला है थोड़े सिट्रसनेस के लिए. ये वेजीज थोड़ी थोड़ी जब पक जाए तो हमने इसमें मटर, सॉल्ट टू टेस्ट और साथ ही ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है. हमें अपनी वेजीज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे यानी पानी डालेंगे और अपना पेस्ट डालेंगे तब हम उसे पकाएंगे, तब भी हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी कुक होंगी. तो हमने अपना पेस्ट ऐड कर दिया है ब्लेंडेड और साथ ही हमने पानी ऐड किया है. पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. अगर आपको थिक सूप पसंद है तो आप कम पानी ऐड करें. तो आप इसे वार्म सर्व कीजिए. न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस है. इसके टेक्स्ट रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट फूड फिटनेस एंड फन को विजिट कर सकते हैं. हेल्दी कैरेट एंड लेंटिल यानी गाजर और दाल का सूप, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है. आप इसको एज अ लंच एंड डिनर रेसिपी ले सकते हैं. इसमें बैलेंस अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन आपको मिलेंगे और थोड़ा सा हेल्दी फैट अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं. चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं. बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए वो हैं गाजर 1 लार्ज, 3 टेबलस्पून भिगोई हुई मसूर की दाल और 1 टमाटर जिसे हमने 4 हिस्सों में काट रखा है. सबसे पहले हम अपनी दाल को एक पैन में डालेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे. एक बार उफान आने के बाद आपको आंच कम कर देनी है और इसे ढककर पकाना है. जब ये थोड़ा पक जाए तो हम इसमें गाजर और टमाटर भी ऐड कर देंगे और देखिए ये पूरी तरह से पक गया है. अब हम इसे ठंडा करेंगे. पूरा ठंडा होने के बाद टमाटर का जो छिलका है वो पील ऑफ कर देना है, हमें हटा देना है, अदरवाइज ये मुंह में आएगा ब्लेंड होने के बाद भी. और फिर इस मिक्सचर को हमें थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर देना है. एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए. ये कुछ सीजनल वेजिटेबल्स हैं, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं. हमने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला है और अपनी वेजिटेबल्स, ये बॉइल्ड सोया चंक है और जो हमारी मटर हैं वो भी बॉइल्ड हैं. सॉल्ट टू टेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, अगर आप कुछ और मसाले या मिर्ची डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कुछ ड्राइड हर्ब्स अगर आप डालना चाहते हैं. अब हम अपना मिक्सचर जो हमने ब्लेंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही पानी. अगर आपको थिक सूप पसंद है तो आप इसे थिक रख सकते हैं और अगर आपको पतला सूप चाहिए तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं. अब इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिंपली एक बॉईल इसमें आने दें और फिर ये तैयार हो जाएगा. इसे वार्म सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए. प्रोटीन इसमें सोया और दाल से आएगा. इसमें वेजिटेबल्स आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं. वेजिटेबल्स आर लूडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स, लेकिन उन्हें ओवर कुक ना करें. अगर आप उन्हें ओवर कुक करेंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे. इस रेसिपी का टेक्स्ट फॉर्म जो है वो आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएगा. दैट इज foodfitnessandfun.com. डीटॉक्स सैलेड, इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है. ये 1 लार्ज टमेटो है, अगर छोटे हो तो आप 2 भी ले सकते हैं.
छोटा टुकड़ा जिंजर का जिसे मैंने रफली चॉप करके ऐड कर दिया है और 3-4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जिसे मैंने अगेन चॉप करके ऐड कर दिया है। अब लो हीट पे इसे थोड़ी देर पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, गैस बंद करके हमें इसे ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा हो आप अपनी वेजिटेबल्स भी चॉप कर सकते हैं। तो मैंने अभी स्किन पील कर दी है और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ। तो ये हमारे सूप का बेस होगा और अगर आप ये बेस यूज़ नहीं करेंगे तो जो वेजिटेबल्स हम कुक करने वाले हैं अभी वो एक तरह का आपका सैलेड बन जाएगा। तो ये ब्लेंड हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं और वेजिटेबल्स को कुक करते हैं। थोड़े पानी में मैंने फ्रेंच बीन्स 1/2 कप, कैरेट 1/2 कप और मशरूम ऐड कर दिए हैं। इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। बहुत थोड़ा पकने के बाद मैं सेकेंड लॉट डालूंगी वेजिटेबल्स का जो है कैबेज, कैप्सिकम एंड ब्रोकली। तो ये सब्जियां थोड़ा कम टाइम लेती हैं पकने में। देखेंगे जब जब वेजिटेबल्स कुक होती हैं उनका कलर जो है वो और इंटेंसिफाई हो जाता है, डार्क हो जाता है। स्पेशली ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल्स में हमने मेथी भी ऐड कर दी है, दैट इज बिकॉज जो क्लोरोफिल होता है और बढ़ जाता है इसके अंदर। तो कुछ कॉम्पोनेंट्स कम होते हैं तो कुछ बढ़ भी जाते हैं और ये साइन है उसका अच्छा कलर आने का। हमने सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर और ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर। अब हम इसे कुक करेंगे। एक बॉईल आने के बाद थोड़ा सा सिमर करना है हमें इसे, ज्यादा नहीं पकाना है। वेजिटेबल्स को भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे लेकिन उन्हें ओवर कुक नहीं करना है। वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। कोरिएंडर हमने फ्रेश ऐड कर दिया है और आवर सैलेड इज ऑलमोस्ट रेडी। एक बार ढक देंगे और कुछ मिनट तक और इसे पकाएंगे एंड देन यू कैन सर्व इट वार्म। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है या आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं आप इजीली कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स के साथ। कैलोरी में बहुत लो है, सिर्फ 83 कैलोरीज हैं आपको इस बोल भर के सूप में जो वेजिटेबल्स से भरा हुआ है, विटामिंस एंड मिनरल्स से लोडेड है। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, डू ट्राई दिस स्पेशली ऑन अ डिटॉक्स डे। इसकी टेक्स्ट रेसिपी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगी। Thanks for watching. I hope you enjoyed watching it और आप इसे जल्द ही try करेंगे। इन सभी recipes का text form आपको मेरी website पर मिल जाएगा जिसका link मैंने description box में share कर दिया है। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit and I'll be back very soon. Bye bye.